डगलस ने एक बार कहा था कि टूटे हुए पुरुषों की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है, तो जब तक बच्चे आपकी छत के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सही दिशा की तरफ बढ़ने में मदद करें। क्या आप ऐसा कर पा रहे? सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बेहतर से बेहतर बन सके, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक रिसर्च में ये निकलकर सामने आया है कि बच्चे का फ्यूचर उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसे बचपन से सीख दी जाती है। इसका मतलब साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आपका अप्रोच सही हो जाएगा। जब आपका अप्रोच सही हो जाएगा तब आपसे वो गलतियां भी नहीं होंगी जो अभी हो रही हैं। एक और लाजमी सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि इस किताब के चैप्टर्स में जो लिखा है उसके पीछे का तर्क कहां से आया है? इसका जवाब है कि इस किताब को लिखने से पहले लेखिका ने काफी ज्यादा रिसर्च की थी। रिसर्च के साथ ही लेखिका ने अपने बहुत से क्लाइंट का रिव्यू भी लिया था। अपनी पूरी रिसर्च का सार लेखिका ने इस किताब में डाल दिया है। आपको चारों तरफ फैला हुआ फिटनेस का जाल नजर आता होगा। हर तरफ ये बताया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को फिजिकली फिट कैसे रखें, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिजिकल फिटनेस के अलावा भी एक फिटनेस होती है? इसे इमोशनल फिटनेस कहा जाता है। इसी को आजकल मेंटल हेल्थ के रूप में भी जाना जाता है। हमेशा पेरेंट्स के सामने एक सवाल खड़ा रहता है कि वो कैसे अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाए। इस सवाल का जवाब तो इस किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इमोशन स्ट्रांग होने का फायदा समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि किसी घर की छत उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी नींव पड़ी होगी। इमोशन हेल्थ उसी नींव की तरह होती है। अगर आप अपने बच्चे को इमोशन स्ट्रांग बनाएंगे तो फ्यूचर में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को वो हंसते हुए हैंडल कर लेगा। अब पहले सवाल पर आते हैं कि बच्चे को इमोशनली मजबूत कैसे बनाएं? उसके लिए सबसे पहले तो आप खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। जब आप सही रास्ते में होंगे तभी आप सही परवरिश दे पाएंगे। आम तौर पर एक बात देखी जाती है कि बच्चों की गलतियों पर मां बाप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये काम बंद कर दीजिए। आज से ही आपके बच्चे को पता चलना चाहिए कि उससे क्या गलती हुई है। इस सबक से वो सुधरेगा भी और इमोशनली स्ट्रांग भी होगा। यहाँ पर हम अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोड़ी नाम का लड़का है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। कोड़ी के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बताया कि वो शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान भी देता है, फिर भी उसके ग्रेड्स में सुधार नहीं होता। शायद इसे ADHD बीमारी है। इस पर कोड़ी के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा? उन्होंने इस बात को मान लिया और टीचर्स से कहा कि बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा इसे कम काम दिया करें। रिसर्च करने वालों के अनुसार पेरेंट्स की ये अप्रोच गलत थी। उन्हें अपने लड़के के ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए था, जैसा कि बाद में कोड़ी के पेरेंट्स ने किया। उसके वर्क लोड में कमी नहीं आने दी, उसे एहसास दिलाया कि वो बाकियों की ही तरह है। इस अप्रोच के बाद कोड़ी के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके ग्रेड्स भी पहले से बेहतर हो चुके थे, जो पेरेंट्स खुद मेंटली स्ट्रांग होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाते हैं, बल्कि डटकर उसका सामना करना सिखाते हैं।
फाइनली अपने बच्चे को आप सिखाइए कि वो टू थॉट्स के साथ आगे बढ़े और ब्लू थॉट्स का चुनाव कभी ना करे। ब्लू थॉट्स वाले लोग मतलब ऐसे लोग जो हर बात की जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं। अपने बच्चे को डर से लड़ना सिखाइए। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स डोंट डू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ही तरह 94% लोगों को ऐसा ही लगता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोगों को पता है कि उनकी पेरेंटिंग में कमी है, लेकिन फिर भी वो उस कमी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन से एक चीज का जन्म होता है। किसका? गिल्ट का। और इसी गिल्ट की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं। इसको हम जॉय के केस से समझने की कोशिश करते हैं। जॉय के बेटे का नाम मीका है। वह काफी ओवर वेट है। उसका वजन जंक फूड की वजह से बढ़ गया था। अपने बेटे को देखकर जॉय को काफी गिल्ट हुआ करता था। उस दिन ये गिल्ट और बढ़ गया जिस दिन मीका जंक फूड खाने के लिए रोने लगा और भीख मांगने लगा। तब जॉय को एहसास हो गया था कि उसके बच्चे के इस हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि वही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर गिल्ट को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये गिल्ट आपके लिए अलार्म की तरह है। ये अलार्म आपको बताने के लिए बजा है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। जैसे कि जॉय को अपनी गलत पेरेंटिंग का एहसास हुआ और उन्होंने सुधरने का फैसला कर लिया। जैसे ही आपके बच्चे अपने किशोरावस्था में पहुंचे, उनसे आप बात करिए कि अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। अब समय आ गया है कि वो बाप की उंगली छोड़कर खुद का रास्ता तय करें। उम्र के इस पड़ाव में आप दोस्त बनकर अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए, उसे सही मार्गदर्शन दीजिए, उसी तरह का मार्गदर्शन जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आप अपने बच्चे के सारथी बनिए। आप अपने बच्चे को नई स्किल सीखने में मदद करिए। अपने बच्चे के सामने एक शानदार उदाहरण सेट करिए। अधिकतर पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि वो उनके यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। आप बताइए ये आइडिया कैसा रहेगा कि पेरेंट्स बच्चे को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद के ऊपर भरोसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसे ये एहसास क्यों दिलाते हो कि वो सबसे अलग है? सबसे अलग होने के एहसास के परिणाम काफी भयानक हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कैरल और टॉम की एक बेटी है ब्रिटनी, जिसको उन्होंने पूरी छूट दी हुई है, ऐसी छूट की जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस छूट की वजह से ब्रिटनी के अंदर ये भावना आ गई कि वो स्पेशल है। एक दिन जब ब्रिटनी के पापा उसके कॉलेज गए तो उन्हें पता चला कि बाकी बच्चे उनकी बेटी को मीन समझते हैं। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इसके पीछे तो उन्हीं की गलती है। ब्रिटनी के अंदर कभी भी उन्होंने ये बीज बोया ही नहीं कि उसे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से खुश हो तो उसकी मेहनत की तारीफ करो, उसे प्रोत्साहित करो, लेकिन कभी भी उसके अंदर घमंड के बीज मत बोना, क्योंकि उसे काटना आपको ही पड़ेगा। आपने इस अध्याय में परवरिश के दो और गुण सीख लिए हैं। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। पुरानी कहावत है कि कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है। क्या आप इस कहावत को सही मानते हैं? अगर मानते हैं तो मानिए, लेकिन परफेक्शन का बोझ अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे समाज के बनाए हुए हर रूल्स में फिट बैठें, हमेशा परफेक्ट हों, लेकिन उनको समझना चाहिए कि परफेक्शन का प्रेशर ही डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है।
अब समय आ चुका है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर सजग हो जाएं। अगर हम सीरियस नहीं हुए तो इसके परिणाम बड़े घातक हैं। 2013 में हुए रिसर्च में ये निकल कर सामने आया है कि कुल आत्महत्याओं में 70% की उम्र 12 से 25 साल की थी। इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को परफेक्शन के बजाय मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि गीता में लिखा है कि कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं। अपने बच्चों को सिखाइए कि जिंदगी मौज में जीना आसान है, हम इसको कठिन ना बनाएं। अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसे हल करने की कोशिश करिए, उस दिक्कत से डिमोटिवेट ना हो जाइए। कोई भी दिक्कत आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। मानसिक तौर पर मजबूत पेरेंट्स बनिए। इस किताब की लेखिका के दोस्त थे जिनका नाम जूली और माइकल था। जूली और माइकल ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था, लेकिन इसका असर उनके बच्चों पर ना पड़े इसलिए माइकल हर छुट्टी वाले दिन डिनर के लिए घर ही आता था। कुछ ज्यादा बदला नहीं था, लेकिन एक समय आया जब जूली को किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना था। तब उसके सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई कि बच्चों को कैसे हैंडल करे। यही काम अगर उन लोगों ने पहले कर लिया होता तो उनके बच्चे सच्चाई के साथ और मजबूत बड़े हुए होते। जब बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को अलग होते हुए तो लाजमी सी बात है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस सिचुएशन से वो जिंदगी के बारे काफी कुछ सीख भी सकते हैं। मतलब साफ है कि जो बच्चे बचपन से ये नहीं सीख पाएंगे कि दर्द को कैसे झेलना है, उन्हें जवानी में भी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जूली ने सोचा था कि वो सही कर रही है बच्चों के सामने दूसरी तस्वीर पेश करके, लेकिन उसे सच्ची तस्वीर पेश करनी चाहिए थी। अगर उसने सही तस्वीर पेश की होती तो उसके बच्चे आज इस सिचुएशन के लिए तैयार होते। जब आप दर्द को समझने लगते हो और उससे डील करने लगते हो बजाय कि उससे भागने के, तो आप एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर सामने आते हो। बच्चों को भावनाओं से दूर मत रखिए, उन्हें जिंदगी समझने दीजिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नेगेटिव माहौल से दूर रहें, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को सीखना पड़ेगा इस माहौल से भी डील करना। जीवन के सफर में हमेशा समय पॉजिटिव नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि जब आपके बच्चे नेगेटिव इमोशन से डील करना सीख रहे होंगे, तब उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। आप वो सिस्टम बनकर रहिएगा। आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि इमोशन को कैसे हैंडल करना है। इमोशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंसान का स्थिर रहना बेहद जरूरी होता है। आप अपने बच्चों को वो स्थिरता सिखाइए। पेन स्टेट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि 5 साल की उम्र में जिन बच्चों को ज्यादा सोशल एक्सपोजर मिलता है, वो बच्चे अपने जीवन में जल्दी सेटल होते हैं। यहाँ सवाल ये है कि इमोशन इंटेलिजेंस आप अपने परिवार को कैसे समझाएं? इसका सिंपल सा जवाब है, बात करिए फैमिली से। एक टेबल पर बात करने बस से 2 देशों के मुद्दे सुलझ जाते हैं। ये तो परिवार है। पहले आप अपनी भावनाओं को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर कर रहे होंगे। उनको बताइए कि अपसेट होना भी नॉर्मल है। उनको मूड बूस्टर सिखाइए। इससे फायदा ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि एक इमोशन से बंधकर नहीं रहना है। डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझिए। एक बच्चे की सही परवरिश करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर ये ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी तो आप अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाओगे, उन्हें पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट का भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी बच्चे पर ज्यादा ही चिल्लाते हो तो उसके अंदर कई बुरी क्वालिटी भी आ सकती हैं।
जैसे कि वो हो सकता है कि ज्यादा गुस्सा करने लग जाए। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझ लीजिए। आपको अपने बच्चे को समाज में कैसे रहना है वो सिखाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट का औजार आप नहीं उठा सकते हैं। हेल्दी डिसिप्लिन का औजार आप उठाइए। बच्चे को बताइए कि सामाजिक ढांचा कैसा होता है। अब एक सवाल और आपके सामने खड़ा है कि कहां से आप शुरू करेंगे। इसका जवाब है कि आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें नोट डाउन करिए कि आपके बेस्ट बॉस कौन कौन रहे हैं, वो इतने अच्छे लीडर कैसे बने थे। उनकी खूबियों को अपने बच्चे को सिखाइए। एक बात और आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी शॉर्टकट नहीं लेना है। भले ही छोटा रास्ता कितना लुभावना हो, लेकिन आपको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। यही बात आप अपने बच्चे के जहन में डाल दीजिए। बच्चे की सही परवरिश के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसलिए अभी अपने आप को रिचार्ज करिए। दोस्त के साथ कॉफी पीजिए। जब एनर्जी आ जाए तो बच्चे से बात करिए, उसकी मदद करिए उसके गोल्स में। उसको सजेस्ट करिए कि वो वेकेशन में कम से कम एक किताब खत्म किया करे। आपके सामने आपका बच्चा है और उसके सामने उसकी जिंदगी, ये अनमोल है। वैल्यूज और एक्शन का मैच होना जरूरी है। मानसिक तौर पर जो पेरेंट्स मजबूत होते हैं, वो अपने बच्चे की जिंदगी के फैसलों को लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वो हमेशा ये गौर करते हैं कि क्या उनका बच्चा सही रास्ते पर है। इस सीनेरियो को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। वो एक एंट्रेंस एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा जाता है। उस एग्जाम से उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसने नकल क्यों की। ऐसी क्या गलती हो गई उनकी परवरिश में। जब उस बच्चे से जानने की कोशिश हुई तो जवाब आया कि उसके माता पिता सोसाइटी में स्टेट्स बना रहे, इसलिए बस उस एग्जाम की बात करते थे। इस बात से उसको क्लियर करने का इतना प्रेशर आ गया कि उसने नकल का सहारा ले लिया था। इस बात से उस बच्चे के पेरेंट्स ने अपने पाँव पीछे खींचे और ये आश्वस्त किया कि एक्शन और वैल्यूज का मैच होना जरूरी है। साल 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 80% स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पेरेंट्स व्यवहार से ज्यादा अचीवमेंट को वैल्यू देते हैं। अगर आप वैल्यूज को महत्व देना बंद कर देंगे तो आप क्या ही अपने बच्चे की सही परवरिश करेंगे। अब समय है कि आप अपने बच्चे के अंदर कुछ वैल्यूज डालिए। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज से ही करैक्टर का निर्माण होता है। चरित्र के निर्माण के साथ ही किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का जन्म होता है। अगर आप चाहते हो कि बच्चा खुश रहे, सही मायने समझे जीवन के, तो उसको वैल्यूज का मतलब समझाइए। इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि वैल्यूज और एक्शन का मेल होना भी बहुत जरूरी है। शारीरिक मजबूती तो वो पा जाएगा, आप उसे मानसिक मजबूती प्रदान करिए।